नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। है दोस्तों, आज के इस वीडियो में 6 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इसी के साथ जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज का जो जिला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह रहेगा हमारा मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला। तो छिंदवाड़ा जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे स्टार्टिंग में आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर निकल कर हमारा आता है कि थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश रोइंग अकादमी के प्रभाकर राजावत ने अंडर 19 मेन सिंगल स्कल्स की 2000 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। चार ऑप्शन है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन है स्वर्ण पदक यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इनके द्वारा इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक आपका जीता गया है। दोस्तों प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ था, तो थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। तो और थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक थाईलैंड की आपकी राजधानी है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने यहां पर स्वर्ण पदक जीता है और कितने मीटर स्पर्धा में, तो 2000 मीटर स्पर्धा में इनके द्वारा यहां पर गोल्ड मेडल आपका जीता गया है। तो अपने आप में इंपोर्टेंट यहां पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर कहाँ बनकर तैयार हुआ है। चार ऑप्शन है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, भोपाल या रतलाम। तो दोस्तों इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भोपाल हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो कलियासोत डैम के किनारे देश का पहला सरकारी पंचकर्म एंड वेलनेस सेंटर बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आज यानी कि 6 दिसंबर के दिन किया जाएगा। तो अपने आप में यहां पर इंपोर्टेंट बनता है। पंचकर्म आयुर्वेदिक इलाज का एक तरीका है। पंचकर्म का अर्थ है पांच वेरियस थेरेपीज का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर माना जाता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है कि देश का पहला पंचकर्म सेंटर कहां बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों यह आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनकर तैयार हुआ है। साथ ही दोस्तों अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो दोस्तों वह आपका भोपाल है। यह अपने आप में यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या सागर। तो दोस्तों ऑप्शन है इंदौर यहां पर राइट आंसर बनता है। तो देखिए दोस्तों अब यहां पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से कैसे है। क्या यहां पर उनका जन्म हुआ या उन्होंने यहां पर सर्विसेज दी या यहां पर किसी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर आंसर आपका निकलता है वह निकलता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। देखिए यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं, बोर्न आपका यहाँ पर लिखा है 15 जून 1956, इंदौर मध्य प्रदेश। तो इनका जो जन्म है वह आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। तो यह अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अगर स्टैटिक जानकारी हम यहाँ पर देखे तो इसकी स्थापना 1 जून 2005 को आपकी हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। तो यह आपको अच्छे से यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि पातालपानी रेलवे स्टेशन को अब जननायक टंट्या भील रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के सॉरी दोस्तों यहां पर जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। यहां पर जो है आपका
जो है पातालपानी रेलवे स्टेशन को अब जननायक टंट्याभिल रेलवे स्टेशन के नाम से आपका जाना जाएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से होना था कि पातालपानी रेलवे स्टेशन आपका कहाँ पर स्थित है, या क्वेश्चन मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अब जननायक टंट्याभिल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ सकता है। तो राइट आंसर आपका बनता है पातालपानी रेलवे स्टेशन, जो कि आपका इंदौर में स्थित है। तो यह अपने आप में यहां पर इंपोर्टेंट बनता है, क्योंकि अब जो है आपका भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद इंदौर के महू पातालपानी रेलवे स्टेशन को अब जननायक टंट्याभिल रेलवे स्टेशन के नाम से दोस्तों आपका जाना जाएगा। और पातालपानी रेलवे स्टेशन आपका कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में आपका स्थित है, इंपोर्टेंट यहां पर बनता है। साथ ही देखिए दोस्तों, कई बार जो है आप कंफ्यूजन होते हैं, स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूजन होते हैं कि सर इसके ऑफिशियली जानकारी हमें नहीं मिलती है, या आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कि यह जो है इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजपत्र जिसे कि आपका गजट बोला जाता है, उसका जो है यहाँ पर हम पीक लेके आए हैं। इसमें बकायदा आपका दिया गया है कि अब जो इंदौर का पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसको जननायक टंट्यामामा भिल रेलवे स्टेशन के नाम से आपका जाना जाएगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है। राजपत्र जो गजट का पीक है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है। चलिए पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हमने देखे थे उनका एक बार रिविजन कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के युवा रंगकर्मी सरफराज हसन को संगीत नाटक अकादमी की ओर से दिया जाने वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार डायरेक्शन के लिए दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के रंगकर्मी सरफराज हसन को संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार उनके डायरेक्शन के लिए आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा जारी भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-20 पर जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश मातृ मृत्यु दर के मामले में कौन से नंबर पर है, यहाँ पर मौतों के मामले में कौन से नंबर पर है। तो दोस्तों यह आपका यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, यह भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किस जिले के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच में डेब्यू किया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच में अपना डेब्यू किया था। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है दोस्तों छिंदवाड़ा जिला। मैप में देख सकते हैं यह है आपका छिंदवाड़ा जिला। तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी जो की एग्जाम में पूछी जाती है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों आपका छिंदवाड़ा जिला है, और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 11,815 वर्ग किलोमीटर में यह आपका फैला हुआ है। अब पूर्व में इस क्षेत्र में छिंद यानी कि ताड़ के पेड़ बहुतायत में थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम छिंदवाड़ा आपका पड़ा है। एक समय में यहाँ शेर भी पाए जाते थे, इसलिए इसे पहले सिंहवाड़ा भी आपका कहा जाता था। छिंदवाड़ा को जिला 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित राज्य मध्य प्रदेश के स्वतंत्र जिले के रूप में घोषित किया गया था। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित सीमावर्ती जिला है और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। छिंदवाड़ा जिले में प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। छिंदवाड़ा जिला सर्वाधिक गिद्ध आवास वाला जिला है, इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है। छिंदवाड़ा जिले में शाही बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है। छिंदवाड़ा जिले में केंद्र सरकार का ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल आपका स्थित है। वही छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम मानव विकास संस्थान आपका यहाँ पर खोला गया या यही पर आपका स्थित है, इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है। साथ ही छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला है। तो दोस्तों अभी ठंड चल रही है और आप सभी जानते हैं कि ठंड में जब तक चाय में आपका अदरक नहीं डलता है तब तक जो है मजा नहीं आता है। तो जब जब आपको अदरक का स्वाद आए तब तक जो है आपको यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले को याद करना है, तो आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है। तो दोस्तों मध्य
प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में होता है। चलिए अगला फैक्ट और यहाँ पर देख लेते हैं, तो छिंदवाड़ा जिले में एग्रो कॉम्प्लेक्स रेयान और रेमंड इंडस्ट्रीज आपके स्थित है। छिंदवाड़ा के तामिया विकास खंड में पातालकोट नामक स्थान पर भारिया जनजाति निवास करती है। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। छिंदवाड़ा जिले में देश का पहला मसाला पार्क भी दोस्तों आपका स्थित है। 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित है यह मसाला पार्क में मुख्य रूप से मिर्च और लहसुन जैसे मसालों के विकास के लिए स्थापित किया गया है। छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई राज्य आदिवासी कला संग्रहालय स्थित है और इस संग्रहालय की स्थापना 20 अप्रैल 1954 में की गई थी। इस संग्रहालय का पूर्व नाम आदिवासी कला संग्रहालय था, जिसे 8 सितंबर 1997 को बदलकर श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नाम कब परिवर्तित किया गया या यह जो है आपका किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह आपका छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। साथ ही छिंदवाड़ा जिले में काली रात मेला, मेघनाथ मेला और गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। छिंदवाड़ा जिले की उमरेड तहसील में होली के अवसर पर मेघनाथ का मेला यह भी आपका आयोजित किया जाता है। छिंदवाड़ा जिले की पार्डुना में प्रतिवर्ष जाम नदी के तट पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट बनता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गोटमार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। छिंदवाड़ा जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर देवगढ़ का किला और देवगढ़ की बावलिया भी आपकी स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है, अर्थात छिंदवाड़ा जिले में भी इस उद्यान का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर दिया गया। तो कहां है, तो यह आपका सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों में आपका फैला हुआ है। नाम इसका बदलकर वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से आपका इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। चलिए इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आपकी यहाँ पर दोस्तों रिपीट हो गए हैं। ऊपर का जो है हिस्सा आपका यहाँ पर रिपीट हो गया है। छिंदवाड़ा जिले में माचबोरा बांध भी आपका स्थित है। छिंदवाड़ा जिले में पेंच ताप विद्युत केंद्र एवं पेंच जल विद्युत परियोजना, जो की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, आपकी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों दोनों के दोनों आपकी यही पर यानी कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए आप पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की हाई परफॉर्मेंस कोच श्रुषि सुमा सिद्धार्थ सिरूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था। किन लोगों ने राइट आंसर दिया है वही यहाँ पर देख लेते हैं। तो अनिल मुजालदे इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया, पंकज इन्होंने राइट आंसर दिया है, प्रमोद बाथम इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया, आशीराम जमरे इन्होंने राइट आंसर दिया है, अंजलि विश्वकर्मा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया, शशि राहंगडाले इन्होंने राइट आंसर दिया है, प्रकाश कुमार पटेल इन्होंने राइट आंसर दिया है और धरनालाल चौहान इनके द्वारा राइट आंसर दोस्तों आपका दिया गया है। साथ ही देखिए दोस्तों आपके जो है यहाँ पर कमेंट थोड़े लेट आते हैं, तो उनको जो है हम यहाँ पर पिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो है आपको पहले भी बताया गया है कि 5 से 6 बजे के आसपास जो है आप शाम के 5-6 बजे के आसपास इसका आंसर जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि जो बाद में जो रिप्लाई बाद में जो इनके आपके आंसर्स यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सर ने हमको यहाँ पर इग्नोर कर दिया है या हमारा नाम नहीं लिया। देखिए दोस्तों 5-6 बजे तक जिन लोगों के कमेंट आते हैं सभी के कमेंट हमारे द्वारा यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि शाम के 5 से 6 बजे के पहले जो है आप इसके आंसर यहाँ पर हमें कमेंट करके बताते जाइए। चलिए अगला प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि हिंडोला महल मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है धार, छतरपुर, अलीराजपुर या झाबुआ। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर बनता हो, जो भी सही जवाब बनता हो, आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।